हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी एजुकेशन में। और आज का अपना टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस के स्पेशल टाइप को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दो टाइप पूछे गए तो 8 नंबरों में, अगर एक टाइप पूछा गया तो 4 नंबरों में। तो हम इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, हाइपनथोडियम। हाइपनथोडियम जो होता है, इसमें जो रिसेप्टिकल होते हैं, रिसेप्टिकल को थैलेमस कहते हैं और टोरस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो रिसेप्टिकल होते हैं वो कप जैसी शेप की होती है। कैसी होती है? कप जैसी शेप की होती है, कप जैसी शेप की होती है और फ्लास्क शेप की होती है, ठीक है। फ्लास्क मीन्स कुप्पी के आकार की होती है। थैलेमस इसमें कैसी होती है? कप शेप की होती है और कुप्पी शेप की होती है। और इसके ऊपरी सिरे पर एक छोटा सा एपिकल होता है जिसको ओस्टियोल या फिर पोर कहते हैं, ठीक है। ऊपरी सिरे पर एक एपिकल होता है छोटा सा जिसको ओस्टियोल या फिर पोर कहते हैं। अब देखो, हाइपनथोडियम में 3 प्रकार के फ्लावर होते हैं। पहला है मेल फ्लावर, दूसरा है फीमेल फ्लावर और तीसरा है गाल फ्लावर। जो मेल फ्लावर होता है वो तो पोर यानी कि ओस्टियोल के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेल फ्लावर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ओस्टियोल यानी कि पोर के पास प्रेजेंट होता है। और जो गाल फ्लावर है वो बीच में प्रेजेंट होता है। ये गाल फ्लावर है जो पिंक पिंक सी, ये गाल फ्लावर है। जो गाल फ्लावर है वो बीच में यानी कि मिडल में प्रेजेंट होता है और ये कंटेन करता है एग को और इंसेक्ट के पुपा को, ठीक है। उसके बाद है फीमेल फ्लावर। जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो बेस के पास प्रेजेंट होते हैं। ये रेड सा है फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर बेस के पास प्रेजेंट होते हैं और इसमें पोलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा होता है, ठीक है। इससे पहले हमने इंसेक्ट पोलिनेशन पढ़ा था जिसको एंटोमोफिली कहते हैं, उसमें हमने अच्छे से इंसेक्ट पोलिनेशन पढ़ा था। और इसका एग्जांपल है फिकस रिलिजियोसा जिसको कॉमन नेम कहते हैं पीपल, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड टाइप है स्पेशल टाइप का, दिस इज द साइथियम। तो देखो साइथियम में क्या होता है, साइथियम जो है वो यूफोर्बिया फ्लावर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये यूफोर्बिया फ्लावर में पाया जाता है। इसमें ये जो कप शेप की स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हैं? इनवोल्यूकर कहते हैं। साइथियम में जो कप जैसी संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? इनवोल्यूकर कहते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लावर होता है यूफोर्बिया का वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है यानी कि हरे रंग का होता है और ब्राइट कलर का होता है यानी कि चमकीले रंग का होता है। ब्राइट हमने बोल दिया तो उसमें सारे कलर आ गए। और इसके बीच में देखो, बीच में एक फीमेल फ्लावर निकलती है। बीच में क्या निकलती है? फीमेल फ्लावर निकलती है ट्राई कैपिलरी पिस्टल के साथ। आप यहाँ पर देखो, ट्राई कैपिलरी पिस्टल के साथ फीमेल फ्लावर बीच से निकलती है और ओबरी पर एक लंबी स्टाल्क होती है, ठीक है। ओबरी पर क्या होती है? एक लंबी स्टाल्क होती है। और जो ये फीमेल फ्लावर है वो मेल फ्लावर से घिरा होता है, ठीक है। यानी कि बीच में है फीमेल फ्लावर और साइड में यानी कि किनारे कौन से हैं? मेल फ्लावर, ठीक है। बीच में है फीमेल फ्लावर और साइड में है मेल फ्लावर। अब आगे देखो, जो मेल फ्लावर होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में अरेंज होते हैं। मेल फ्लावर कैसे अरेंज होते हैं? सेंट्रीफ्यूगली मैनर में यानी कि सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में ये अरेंज होते हैं। और जो स्टेमन है यानी कि जो एंड्रोसियम होता है वो जुड़ा होता है लॉन्ग पेडिसल से। ये जो आपको ये दिख रहा है ये है पेडिसल। जो स्टेमन होता है वो जुड़ा होता है पेडिसल से, ठीक है दोस्तों। और ये पेडिसल कैसा होता है? लॉन्ग होता है यानी कि लंबा होता है। और इसका एग्जांपल है यूफोर्बिया, ठीक है। अब तीसरा हमारा टाइप है वो क्या है? वर्टिसिलेस्टर। जो वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस है उसमें क्या होता है? देखो, जो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनमें
साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है दोस्तों, वर्टिसिलेस्टर में क्या होता है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है, और ये ओसिमम यानी कि तुलसी और साल्विया में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, ये ओसिमम यानी कि इसका कॉमन नेम है तुलसी और साल्विया में ये पाया जाता है। और इसमें ये देखो डाइकेजियल साइम एराइज होते हैं। ये क्या है, डाइकेजियल साइम एराइज होते हैं प्रत्येक लीप के एक्सिस पर, और बाद में ये मोनोकोजियल बना लेते हैं। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसमें डाइकेजियल साइम एराइज होते हैं प्रत्येक लीप के एक्सिस पर, और ये बाद में मोनोकेजियल साइम बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें फ्लावर कैसे होते हैं, ससाइल होते हैं। ससाइल का मतलब होता है कि फ्लावर के पास कोई भी पेडिसल नहीं होता। हमने साइथियम में पढ़ा था कि उसमें लॉन्ग पेडिसल होती है, लेकिन इन द केस ऑफ वर्टिसिलेस्टर में कोई भी पेडिसल नहीं होता, यानी कि फ्लावर ससाइल होता है। ससाइल का मतलब आपको आपको पता चल गया कि फ्लावर के पास कोई भी पेडिसल नहीं होता। देन उसके बाद है फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि फ्लावर डिवाइड होते हैं टू इक्वल हेप्स में, एक वर्टिकल प्लेन पे। ठीक है, फ्लावर डिवाइड होते हैं टू इक्वल वेप्स में केवल एक वर्टिकल प्लेन पर, और इसका एग्जांपल होता है पाइसम। ठीक है, फ्लावर पता चल गए ससाइल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं और बाइलेबिएट होते हैं। बाइलेबिएट का मतलब होता है इसमें जो कैलेक्स और क्रोला होते हैं वो टू लिप्स में होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं, टू लिप्स में होते हैं। एग्जांपल आपको पता चल गया तुलसी यानी कि ओसिमम और साल्विया। ठीक है, ये देखो अरेंजमेंट दिखाती हूँ आपको, ये होते हैं वर्टिसिलेस्टर, ये फ्लावर हैं यानी कि इसके पास सब कुछ है, कैलेक्स क्रोला एंड्रोसियम गाइनोसियम, और ये है ब्रैक्ट और ये है लीव। ये था दोस्तों स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल।